आज हम माता रानी का लहंगा बनाएंगे। हम बनाएंगे इस साइज़ में, ये जो साइज़ है इस साइज़ का हम माता रानी का लहंगा बनाएंगे। आपने बस डिज़ाइन पे ध्यान देना है, साइज़ पे नहीं ध्यान देना है। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उस तरीके से चैन बड़ी कर लो, आपको छोटा बनाना है तो आप चैन छोटी कर लो। आप सिर्फ डिज़ाइन देखना है किस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। ये खाली साइज़ है, हमने ये डिज़ाइन नहीं बनाना, हमने क्रोशिए का दिखाना है, क्रोशिए का डिज़ाइन बना के। ये खाली मैंने साइज़ के उससे बताया था कि मैंने इस साइज़ का बनाना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक दो तीन चैन बनाने हैं हमें, तीन चैन, चार पाँच छः सात। साइज़ के हिसाब से मैं आपको पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। इस तरीके से चैन बनानी है, आठ नौ दस, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ चैन ऐसे। ये देखिए, ये हमारी चैन कंप्लीट हो गई है। अब हमने तीन चैन फालतू पहले ही बना लिए, तीसरी चैन में हम बनाएंगे इस तरीके से ऐसे या ऐसे। अब हमने इसमें इस तरीके से फिर इस तरीके से, मैं इसको कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको टर्न करके बताती हूँ। वन टू थ्री चैन बना ली हमने, थ्री चैन बनाने के बाद इसको हम नेक्स्ट में इस तरीके से डालेंगे ऐसे। अब इसको हमने इसी तरीके से ही कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट करके आपको आगे बताती हूँ। देखिए, ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको टर्न करके यहाँ पे हमने कलर चेंज करना है। हमने वाइट कलर लिया है, आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो कलर लीजिए। इस तरीके से इसको इस तरीके से यहाँ पे वन टू थ्री चैन बना के हमने यहाँ पे, नहीं सॉरी, टू चैन बनानी है हमने, थ्री चैन नहीं बनानी। हमने डिज़ाइन चेंज करना भी यहाँ पे, हमने ये ऐसे लेके सेकंड में इस तरीके से पूरा ही हमने इसको इस तरीके से करना है, सिंगल क्रोशिया ऐसे, फिर सिंगल इस तरीके से थ्री बार हमने ये इस तरीके से करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहीं पे टू बार इस तरीके से, फिर हमने आगे करना है इसको आगे इस तरीके से, फिर इसी तरीके से थ्री बार, फिर हमने डबल कर देना है यहाँ पे, डबल यहीं पे डबल कर देना है, थ्री बना के हमने डबल कर देना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमारा वर्क हो गया है। अब हम इसको बैक करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट में अटैच कर देंगे इस तरीके से, फिर हम आठ चैन बनाएंगे, तीन चार पाँच छ सात अरे आठ, फिर हम नेक्स्ट में अटैच कर देंगे इस तरीके से। हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है। चलिए मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम इसको फ्रंट करते हैं। यहाँ पे एक दो तीन चैन बना के चार चैन बना दी, इसके साथ बराबर होना चाहिए। चार चैन बना के अब हमने सी लेना है, फिर वन टू थ्री तीन लेके इसको इस तरीके से ऐसे निकालना है ऐसे, फिर से हम ये लेंगे, फिर वापसी में इसी में करके इसको सिंगल बनाना है। फिर से हम ऐसे करेंगे और इन तीनों को इस तरीके से
ऐसे निकाल देना एक बारी में, ठीक है, इस तरीके से। फिर से हम ऐसे लेंगे, फिर तीन लेंगे, तीन, ये और ये। फिर से हम इसको ऐसे करके यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे ऐसे। फिर से इन तीनों के अंदर ही डालना है, फिर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाना है तीन बार इस तरीके से, ऐसे और इस तरीके से। इस तरीके का डिज़ाइन आएगा ये, और हम पूरा कंप्लीट करके फिर आपको बताते हैं। देखिए किस तरीके से डिज़ाइन बनाया है। अब हम इसको टर्न करेंगे। अब देखिए क्या करना है इसमें, यहाँ से इसको लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से ऐसे, फिर ऐसे इस तरीके से, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और एक इसके बीच में डालेंगे जिससे कि ये बढ़ जाएगा इस तरीके से। तीन के ऊपर तीन आएंगे, इस तरीके से इसमें बनाने के बाद फिर इसके अंदर। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ। अब इस तरीके से हमने वाले कंप्लीट कर लिए। अब हम इसको टर्न करेंगे और दूसरा कलर लेंगे। देखिए किस तरीके से, एक दो तीन चैन बनाएंगे। चैन बना के हमने इसमें इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से, फिर से इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से ही कंप्लीट करेंगे। चलिए हम कंप्लीट करके आपको बताते हैं। ये पूरा ही हमने यहाँ पे इसी तरीके से बनाना है। सब में हमने एक एक ही डालना है और डबल नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बढ़ा लिया है, अब हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको टर्न करेंगे यहाँ से। ये कंप्लीट हो गया। हमने इसमें एक भी नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि हमने नीचे बढ़ाए थे, बिल्कुल इसी तरीके से बनाने, एक में भी नहीं बढ़ाना। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, चैन बनानी है जिस तरीके से हमने यहाँ पे चैन बनाई थी, आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और हमने नेक्स्ट में डालना है। ये जो होता है ये नेक्स्ट नहीं होता, ये इसी के साथ का ही होता है, हमने इसमें डालना है इस तरीके से। फिर से हम आठ चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर से हम इसमें डालेंगे नेक्स्ट में। अब इसको हम कंप्लीट करके फिर से आपको बताते हैं। देखिए अभी इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको, इस वर्क को टर्न करेंगे। देखिए अभी हमने ये इस तरीके से ही यहीं पे बनाना है, एक दो तीन चार चैन बना के। चार चैन हम किस लिए बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम ये आठ बनाते हैं, इसलिए इसको यहाँ तक आना चाहिए, इस तरीके से आधा आना चाहिए, इसलिए हम चार चैन बनाते हैं ऐसे लेके, एक दो तीन। अब इसको इस तरीके से हम इसमें से निकाल देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते हैं ये। फिर से इसी के अंदर से इस तरीके से ये ऐसे, और फिर से ये ऐसे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से दो तीन, फिर से ऐसे ये ऐसे, ये
इस तरीके से ऐसे फिर से वापसी से इसमें टर्न करेंगे इस तरीके से, फिर तीन बार लेके हमने फिर इधर कर लेना है इसको, एक दो तीन, तीन लेके हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए हम कंप्लीट करके आपको बताते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए अब ये कंप्लीट हो गया हमारा डिज़ाइन। अब हम इसको टर्न करेंगे, देखो फिर से ही जैसे ये हमने बनाया था वैसे यहाँ ऐसे ही अब यहाँ बनाएंगे। इसी के तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करके आपको बताते हैं। अब यहाँ पे हमने देखो क्या करना था, जिस तरीके से वहाँ पे किया था सिंगल बनाएंगे, इस तरीके से सिंगल सब पे बनाएंगे, सब में सिंगल क्रोशिया चलाना है। बस एक हमने यहाँ पे भी लेना है ताकि डबल हो जाए। इसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूँ, अब मैं आपको पूरा कंप्लीट करके ही बताऊँगी। ये भी डिज़ाइन ऐसे ही था और ये भी ऐसे ही है, और इसके बाद जो हम बनाएंगे वो भी ऐसे ही होगा। इसी तरीके से मैं आपको पूरा लहंगा कंप्लीट करके फिर बताऊँगी। देखिए हमारा किस तरीके से डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखो ये बनाते बनाते इस तरीके की शेप आ जाएगी डिज़ाइन। देखो ये फ्रंट है और ये बैक, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे 12 चैन बना लिए हैं। पहले हम कितने बनाते थे, 8 यहाँ पे, अब हमने बनाना है 12, क्योंकि अभी लास्ट है यहाँ नेक्स्ट इधर। अब उसी तरीके से 12 चैन बना के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बना के इसमें हम अटैच करेंगे नेक्स्ट में। इसी तरीके से 12 चैन बना के, 12 चैन बना के नेक्स्ट में करके पूरा कंप्लीट करके आपको बताते हैं। देखिए किस तरीके से हमारी ये स्कर्ट बन गई है और कितनी ही सुंदर लग रही है। देखो अभी हम इसको डेकोरेट भी करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे इस साइड हमने ऐसे होते ना माता रानी का, इस साइड हमने बनाना है साड़ी का पल्ला, जिस तरीके साड़ी का पल्ला होता ना उस तरीके से हमने यहाँ पे बनाना है। देखो यहाँ पे ऐसे, ये डबल क्रोशिया हमने करना, डबल क्रोशिया ऐसे, फिर इसमें ऐसे, फिर यहाँ पे फिर दोबारा इसी में कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा होता है ना इसलिए इसी में ही हम दोबारा से कर देंगे। आप अपने अंदाजे से करना। फिर इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, सात हो गए। फिर हम इसको टर्न करेंगे इस तरीके से। हमने 6 बनाने हैं वैसे, इसको हम नहीं करें तो ज़्यादा सही रहेगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ भी छूट गया है और यहाँ से भी छूट जाएगा, 6 पे ही हम करेंगे। अब हम यहाँ से बनाएंगे इस तरीके से, देखो ये लिया फिर ये लिया, डबल कर देंगे। अब हम डबल बनाएंगे इस तरीके से। ये हमने काफ़ी थोड़ा बड़ा बनाना है पल्ला अभी, इस तरीके से। अब हम इसको इसी तरीके से बनाते हुए चलेंगे
यहाँ बनाएंगे चैन एक दो तीन, जिस तरीके से बनाते हैं आते हैं इस तरीके से। अब इसको मैं अब तुम्हारा कंप्लीट करके बताऊंगी। अभी इसी तरीके से करना है, छः हैं छः ही रहने देने हैं, इनको ना घटाने हैं ना बढ़ाने हैं, वो मैं आगे बताऊंगी कंप्लीट करके। इसको इसी तरीके से करते जाना। अब हमने इसको इस तरीके से बना लिया है, अब हमने आगे क्या करना है, ये हमने 17 रखी हैं, ये 17 बार करा है हमने। अब आगे हम क्या करेंगे देखो, एक दो तीन चैन बना के, अब हम सिंग इधर करते थे ना, हमने यहीं पे बनानी, क्योंकि अब हमने आगे बढ़ाने हैं इस तरीके से। दो हम इधर बढ़ाएंगे, दो इस साइड बढ़ाएंगे, इस तरीके से करेंगे ये। अब आगे आगे बढ़ेगा फिर इसका पल्ला जो होएगा वो थोड़ा चौड़े उसमें आएगा। हाँ, अब ये यहाँ पे हमने बढ़ा दिए हैं दो, इस साइड बढ़ा दिए दो। अब हम फिर बढ़ाएंगे इस साइड, इस साइड हमने दो तीन, इस साइड हमने बढ़ाने नहीं है, बढ़ाने खाली फ्रंट साइड है। इस साइड हम सिंगल ही इसी तरीके से चलते रहेंगे, सिंगल सिंगल, एक एक में डबल क्रोशिया, एक एक में बस सिंगल सिंगल बनाते हुए चलेंगे। फिर जब हम फ्रंट पे आएंगे तो हमने बढ़ाने हैं। अब हम इस तरीके से एक दो तीन तीन, अब हम फिर यहाँ पे यहीं पे डालेंगे, इसमें क्या होता है डबल हो जाता है। अब यहाँ पे हो गया, अब हम इस साइड करेंगे। मैं तुम्हारे को ऐसे ही कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए कितनी सुंदर इसकी शेप आई है, देखिए अब मैं आपको इसमें आगे डिज़ाइन बताती हूँ। हमने इसको यहाँ यहाँ से बढ़ाए हैं, एक छोड़ के एक बार, और बीच भी बीच बीच में बढ़ाए हैं। अब हम इसमें कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, यह देखो, पहले एक दो तीन, फिर इसके अंदर हमने यहाँ पे आके यहाँ पे एक दो तीन, एक में ही डालेंगे हम छः बार एक में ही डालेंगे, पांच और ये छः, इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे हम, ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अभी हमें एक दो तीन, तीन छोड़ के दो छोड़ के इसमें हम इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से, सिंगल लेके, डबल नहीं लेके, सिंगल लेके। अब हमने इसमें ही एक छोड़ के फिर से हमने यही छः बार, एक में ही छः बार करना है, एक दो दो तीन चार पांच छः, छः हो गए। अब हमने एक छोड़ के दूसरे में, यहाँ पे एक छोड़ के इसमें हम करेंगे ये इस तरीके से। अब मैं आपको कंप्लीट करके सारा बताती हूँ। देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं और अब आपको बताती हूँ। ये हमने पहले छः बनाए थे, अब हम कितने बनाएंगे इसमें, तीन इधर करके, तीन इधर करके, एक इसके बीच में, इसके बीच में हमने बनाने हैं 12 बार, एक दो तीन चार पांच छः सात
आठ नौ दस ग्यारह और ये लास्ट बारह। देखो इस तरीके से देखिए। अब हम इसमें ये वाले में जो ये है ना बीच का ये वाला सिंगल, ये इसको ऐसे नहीं लेना, सिंगल इस तरीके से ही हमने इसको इस तरीके से अटैच कर देना है टाइट करके। देखो ठीक है, मैं इसको भी इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे। अब हमने यहाँ के लिए फ्लावर बनाने हैं वाइट में, इस तरीके के फ्लावर यहाँ पे लगाने ना हमने पांच। देखो इस तरीके के फ्लावर बनाने हैं। अब मैं आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ किस तरीके के फ्लावर बनेंगे। इसको इस तरीके पकड़ लेंगे ये ऐसे, और इसमें क्या करना है हमने एक दो तीन, इसमें हमने तीन चैन बना के वापसी इसी में डाल लेना है, तीन चैन बना के एक दो तीन, फिर से हमने तीन चैन बनाई और ये वापसी इसी में, ऐसे हमने तीन चैन बना के हमने इसमें पांच बार डालना है, पांच से छह बार में डालना है इस तरीके से। अब मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। देखो इस तरीके से इसकी शेप आएगी, मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ एक मिनट। देखिए फ्लावर कंप्लीट हो गया है। देखो अब हमने इन फ्लावर को क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से लगाना है इनके ऊपर, ये ऐसे है यहाँ पे ऐसे। अब मैं तुम्हारे को पूरा देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैं पूरा कंप्लीट करके अटैच करके फिर बताऊंगी पूरा आप डेकोरेट करके। अभी हमारी ड्रेस तैयार हो गई है, ये देखिए इसी से हमने माता रानी की चोली बनानी है। ये मैंने चैन बना के साठ बना के साठ बार क्रोशिया चला, सिर्फ दो बार इतना ही। अब हम इसको किस तरीके से चोली बनाएंगे, ये इस तरीके से माता रानी की चोली बन जाएगी, माता रानी की चोली बन जाएगी। मैं यहाँ पे आपको सिल के बताती हूँ ठीक है, ये इस तरीके से ये इतनी सिली जाएगी। चलो मैं सिल के बताती हूँ आपको, ये इस तरीके से हमने बीच में ये ले लिया, ये ऐसे इसको यहाँ से ऐसे जोड़ के इतना जोड़ के, इस तरीके से फिर इस तरीके से ऐसे, ऐसे मैं अब आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से कितनी सुंदर लग रही है, ये कितनी अच्छी ही शेप आई है, कुछ भी नहीं है। देखो अब ये इस तरीके से माता रानी को पहनाएंगे हम, और यहाँ पे हमने डोरी बनानी है यहाँ पे इधर और इस साइड। मैं आपको डोरी बना के कंप्लीट करके बताती हूँ। देखिए कितनी सुंदर और कितनी अच्छी फिटिंग आई है चोली की, आठ नंबर माता रानी की चोली बनाई है। अब मैं आपको आगे लहंगा पहना के दिखाती हूँ। देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है माता रानी का लहंगा साड़ी। देखिए ये इस तरीके से माता रानी की साड़ी हमने यहाँ से अटैच करके यहाँ से इधर से इस तरीके से दे दी है, यहाँ पीछे से लाके यहाँ देखिए हमारा माता रानी तैयार हो गई है। आपको पसंद आए तो ज़रूर हमारे को कमेंट और लाइक करना।